लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है। जिला प्रशासन भी जिले भर में अलग अलग तरीके से जागरूकता अभियान फैला रही है ताकि एक भी वोट छूटे ना। लेकिन इसके बावजूद कई जिले के कई ऐसे जगह हैं जहां पर लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। इस वक्त हम महागामा के बसडीहा गांव में मौजूद हैं, बुआरी जोर के बसडीहा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। और आप देखिए कि स्कूल नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ इस गांव के हजारों ग्रामीणों ने इस बार जो है वोट देने से पूर्णतः इनकार कर दिया है। क्या कुछ कारण है, हम आपको सीधे यहाँ के ग्रामीणों से बात कराते हैं। भैया नाम क्या हुआ? कैलाश कुमार। क्या चीज़ के लिए जमा हुए हैं यहाँ? ये जो सर स्कूल के लिए 6 महीना जो है ना हम लोग को परेशान करके रखा है। हम SCL और मिथिला टूडू अध्यक्ष वो लोग आए यहाँ, बोले कि दोनों को स्कूल मिलेगा। कि कौन दोनों को? अल्पसंख्यक हम लोग को, और हम लोग को 2/3 हम लोग हैं, 1/3 अल्पसंख्यक है, उसको जो है ना मिल गया स्कूल। हम लोग को अभी तक अवशासन मिल रहा है। स्कूल आप लोग को मिला मतलब? नहीं, स्पष्ट से हम आपको बता देते हैं कि ये स्कूल जो है ये बसडीहा का स्कूल है। आप देखिए कि राजकीय कृत मध्य विद्यालय बसडीहा है ये, और इस स्कूल के ठीक इस साइड जो है ये कोयला का खदान है। जी हाँ, कोयला के खदान होने की वजह से और डेंजर जोन में होने की वजह से इस स्कूल को स्थापित किया गया, और स्थापित करने के बाद जो अल्पसंख्यक थे उन्हें स्कूल दे दिया गया। लेकिन इसके बाद जो हिंदू समाज के लोग थे इन्हें स्कूल नहीं दिया गया है, इनके बच्चों के लिए स्कूल नहीं दिया गया है, जिसके बाद ये लोग विरोध कर रहे हैं। यही बात है ना? यही बात है। कितने दिनों से स्कूल नहीं है? कितने दिन से बच्चा नहीं भेज रहे हैं आप लोग स्कूल में? अभी 6 महीना से। 6 महीना से बच्चा को स्कूल भेजिए नहीं रहे? नहीं, बच्चा का भविष्य खराब हो रहा है, वो आगे चल के क्या बनेगा? और अभी नहीं पढ़ेगा तो बाद में वो क्या पढ़ेगा? ऐसे पढ़ाते हैं आप लोग? ऐसे भी तो कोयले चुनने भेजते हैं। नहीं सब ऐसे थोड़ा, ऐसे भी तो आप लोग कोयले चुनने भेजते हैं। हिंदू मुस्लिम का क्या बात है भैया? बात है, आप लोग का बच्चा जाता है कि नहीं कोयला? हम लोग दो लड़का दो लड़की ऐसे होता है, 2-3 को मुसलमान का ऐसा, हम लोग 10-12 नहीं पैदा करते हैं। नहीं नहीं, ये गलत बात मत बोलिए, सही बात बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, दिक्कत क्या है, काहे नहीं इस बार वोट देना चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग को स्कूल दे दीजिए, स्कूल दे दीजिए। स्कूल तो ये ना है, स्कूल तो ये ना है भैया? नहीं, स्कूल ये खाली मकान है, ये जो है वो खाली बिल्डिंग बचा हुआ है। स्कूल का सारा पेपर, सारा टेबुल, स्कूल मास्टर सब हिजू किताब में शिफ्ट हो चुका है। तो इसके बारे में आप लोग जिला प्रशासन को बताए, अनुमंडल प्रशासन को बताए, सबको दिए। यहाँ देखिए, जिला अधीक्षक को दिए, अनुमंडल को दिए, पुलिस महाप्रबंधक को दिए, प्रभारी को दिए, सांसद को दिए, मुख्यमंत्री को दिए, सबको दिए, लेकिन कोई कुछ मदद नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या सोचे हैं तब इस बार भैया? ये सबसे हम लोग ये विडम्बना की बात है कि हमारे बच्चे आज मतलब कि शिक्षा के अभाव है, मतलब कि घर पर हैं। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और इस अधिकार से हमारे बच्चे वंचित हैं। हम सभी अभिभावक इससे बहुत ही दुखद हैं। जब हम लोगों ने SCL प्रबंधक से ये सवाल किया तो उन्होंने हम लोग को आश्वासन मिला कि आप लोग को भी डकेता रिहैब साइड में एक स्कूल दिया जाएगा। तो हम लोगों ने उनका उस पर फेथ किया, उस पर ट्रस्ट किया, विश्वास किया, ये सोच करके कि चलो ठीक है, हम लोग को एक यहाँ मध्य एक विद्यालय मिल जाएंगे डकेता रिहैब साइड में, जहाँ बहुसंख्यक आबादी यहाँ भी है। लेकिन आज तकरीबन 6 महीना हो गए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ कागज पर ही ये सिमट कर रह गए हैं, ऐसे धरातल पर ये नहीं आए हैं। यही हम सबों का आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है, और पूरा ग्रामीण काफ़ी निराश है, काफ़ी आक्रोश में है। एक तरफ जहां इस प्रबंधन माइंड्स को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और हमारा खतरा और दिन बाय दिन बढ़ते जा रहे हैं, इस पर कोई किसी का ध्यान नहीं है, ये सबसे दुखद बात है। आप लोग का बच्चा कितना दिन से नहीं जा रहा है पढ़ने? 6 महीना। प्रशासन क्या बोला दिए थे प्रशासन को? तो प्रशासन बोले खाली टाइम दिए, वो तो ट्रांसफर हो गए हैं बड़ा बाबू। अभी जो बड़ा बाबू आए हैं वो तो बोलते हमको जानकारी नहीं, यार देखिए कब से लिख के दिए, कब से लिख के। कहना क्या है, क्या बोले वो, कब तक में आप लोग को स्कूल मिलेगा? जब बात किए तो कुछ एक हफ्ता के अंदर टाइम दिए थे कि स्कूल का जो है जमीन उद्घाटन हो जाएगा डकैता प्लॉट में, रिहब साइड में, और शिलान्यास हो जाएगा और स्कूल का काम चालू हो जाएगा। आप लोग के बच्चों का स्कूल? हाँ, SDM साहब के साथ मीटिंग हुआ था, SDM साहब राजीव कुमार आए थे डकैता रिहब साइड, उनके साथ हम लोग मीटिंग हुआ था 500 आदमी के साथ, कि एक हफ्ता के अंदर में
आपका जो है जमीन उद्घाटन होगा और स्कूल जो है चालू हो जाएगा बनना, स्कूल बिल्डिंग बन जाएगा, उसके बाद आपको यूडीएस कराया जाएगा, अब बच्चा आप पढ़ाइए आराम से, उस सबको मिल जाएगा। तो उसी के एक ही स्कूल में सभी के बच्चों को पढ़ाने में क्या आपत्ति है आप लोग? कैसे उतना कैसे दूर है उन लोगों को अलग दिया है, आप लोगों को अलग दिया है, बोला गया है मैनेजमेंट, बोला गया क्या बोला था सबको अलग अलग सुविधा देंगे, मतलब अल्पसंख्यक को अलग और आप लोगों बहुसंख्यक को अलग? जी जी जी, सबको अलग अलग स्कूल देंगे, लेकिन अभी तक दिया नहीं? नहीं नहीं, दो को स्कूल देने का बात था, अभी तक बिल्डिंग तक नहीं दिया। हाँ बताइए बताइए। हमारे कहने का मतलब, हम प्रशासन से लिखित प्रशासन से आवेदन कर चुके थे पहले कि आप लोग को हम जैसा आपको व्यवस्था देंगे हम खुशी रखेंगे। अच्छा, आप लोग बोले थे कि आप लोग जो व्यवस्था दीजिए सब में हम लोग खुशी हैं, लेकिन हम लोग को बोला गया कि आप लोग का स्कूल चाहे जो भी आपका आंगनबाड़ी केंद्र है जमीन दे रहे हैं, अब बहुत खुशी का है काम, लेकिन जमीन के साथ आपको जिसे पुनर्वास स्थान हम बनाएंगे उसी में हम आपको शिफ्ट करेंगे, आपका स्कूल और आंगनबाड़ी सब कुछ देंगे व्यवस्था। लेकिन आज 6 महीना के बाद भी हम लोग को प्रशासन कुछ नहीं सुनवाई कर रहा है, न मैनेजमेंट सुन रहा है, न कोई शिक्षा मंत्री सुन रहा है, कोई भी सुन नहीं रहा है। तो आज तक हमारा बच्चा मूर्ख चपाट बन के रह जाएगा, क्या आगे भविष्य कौन बनाएगा हम लोग का, हमारा बच्चा? अच्छा, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, क्या चीज को लेके चाची आप लोग यहाँ आए हैं, काहे भीड़ लगाए हैं? हम लोग का प्रॉब्लम है क्या, हम लोग का स्कूल नहीं है, बच्चा को जब शिक्षा नहीं मिल रहा तो हम लोग वोट भी नहीं देना चाहते हैं। बस आप बोल रहे हैं स्कूल है, मगर यहाँ स्कूल का रूप में सिर्फ ढांचा है, कुछ भी नहीं है, जाके आप अंदर में चेक। आप लोग को मौका मिल गया है क्या? क्या मौका? कि मतलब चुनाव आया है तो हम लोग अपना काम करवा रहे हैं, सब कोई अपना अपना रोटी सेक रहा है तो हम भी सेक रहे हैं। मौका कुछ नहीं है सर, एकदम जांच बात है, हम लोग कैसे ही बोला है क्या मतलब तो हम सरकार को वोट कैसे डाल देंगे? सरकारी चीज में सबको हक है, हमको भी हक है, आपको भी हक है। हाँ, तो जब आपको आपका हक मिल रहा है, हम अपना घर दे रहे हैं, हम अपना जमीन दे रहे हैं, तो हमको अपना स्कूल क्यों नहीं मिल रहा है? हम इतना जानते हैं, हमको स्कूल हमको चाहिए, मेरा हक है स्कूल में। मतलब इस बार स्कूल आए, जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप लोग को वोट नहीं? हम वोट नहीं, हम सब हिंदुओं से आवेदन करते हैं, कोई भी वोट नहीं डाले। जब सबका हिंदू का बच्चा नहीं पढ़ेगा तो कोई हिंदू वोट नहीं डालेगा। बस हम इतने हम सबसे आवेदन करते, स्कूल नहीं जब तक डकैता जाएगा तब तक हम लोग वोट नहीं। आप लोग का लड़ाई किससे है, अल्पसंख्यक से है कि प्रशासन से है? एसीएल से है। मतलब एसीएल आप लोग को स्कूल? हाँ एसीएल, हाँ एसीएल एक जगह क्यों किया, दो जगह स्कूल क्यों नहीं दिया? बाकी सब में तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं, हमको यही दिक्कत है, नहीं आपस में कोई दिक्कत नहीं, हमको एसीएल वाला से दिक्कत है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे। अच्छा सुनो 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 सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? कोयल कुमारी। कोयल कुमारी, हाँ। स्कूल जा रही हो? नहीं। स्कूल नहीं जा रही हो? स्कूल नहीं जा रही हो? कहाँ जाती हो तब? 6 महीने से बैठे हैं अभी घर में। घर में बैठी हो? हाँ। स्कूल नहीं जाती है? नहीं। कौन क्लास में थी तुम? 7th क्लास में थे। ये वो बच्चे हैं जो पिछले 6 महीनों से अपने घर में बैठे हुए हैं और स्कूल न मिलने के कारण आप देखिए कि इस वक्त ग्रामीणों के साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए कि हमारे पीछे जो है सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं जिन्होंने इस बार फैसला किया है कि जब तक इनका स्कूल नहीं बनेगा तब तक ये लोग इस बार वोट नहीं देंगे। इस खबर को बनाने का मकसद भी यही है कि इस खबर के माध्यम से जिला प्रशासन तक ये आवाज़ पहुँचे कि शायद इनके स्कूल को जल्दी बना दिया जाए तो इतने लोगों का अधिकार जो है वो बना रहेगा।